आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को हिंदू सेना अपने जो 28 विंग के साथ 137 सनातनी राष्ट्रवाद जो कि संगठनों के साथ संत समाज ईसाई सिख जैन बौद्ध एवं भारत के शिक्षित मुस्लिम समुदाय के समर्थन से हिंदू राष्ट्र के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई है। आप कितने भाई बहन है ये बताइए। देखिए आज से पहले हम कितने भी हो तुम कितने भी हो इस पर कोई कानून नहीं है। कितने ये तो बता दीजिए। ये मैंने बताया दिसंबर 2022 के बाद कानून लागू होगा। आप जाति को मानते हो? नहीं मानता। मैं शूद्र हूँ, मेरे पैर छुएंगे आप? हाँ बिल्कुल छूंगा। छू लीजिए। हाँ मोदी जी के खिलाफ जाएंगे, सबके खिलाफ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र हो गया है, जनसंख्या कानून नियंत्रण अब लागू सरकार को करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है, देश के अंतर्गत में कई प्रकार की परेशानियां हैं, कई प्रकार की समस्या है। जैसे गजवा हिंद की बात हुई, हिंदू राष्ट्र में घोषित करना पड़ा। गजवा हिंद का मतलब है सीधा, जो कि मुगल साम्राज्य दोबारा लाना चाहते हैं। 700 वर्ष में हमने बहुत दंश झेला है, हम इस दंश को नहीं झेलना चाहते। हम अहिंसावादी जो कि परपाटी देश में चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये जो कि कुछ कट्टर मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। एक दलित बच्चा पानी पी लेता उसको मार, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं थोड़ा अपना कार्य कर लूं, उसके बाद में आप प्रश्न करेंगे। सर आप जातिवाद के खिलाफ लेके आते कानून? नहीं नहीं लेके आ रहा हूं मैं, आपको एक बार दो मिनट के लिए सुन ले फिर आप प्रश्न कर लेंगे। तब तो आप मुस्लिम प्रधानमंत्री। मैं संत युवराज परम पिता परमात्मा को साक्षी करके देश की समग्रता एकता अखंडता हेतु ये विशेष घोषणा करने जा रहा हूँ। मैं संत युवराज प्रमुख हिंदू सेना आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को जंतर मंतर दिल्ली से दोपहर 1 बजे भारत के भविष्य एवं भारत की आने वाली आर्थिक सामाजिक देश की संप्रता को खतरा गजवाए हिंद की तैयारी के लिए विशेष समुदाय के जो लोग हैं केवल जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनके जिहादी आतंकवादी विचारधारा को रोकने हेतु जो सरकार को कानून बनाना चाहिए था, जो दिसंबर 2014 में, आज तक वो लागू नहीं हुआ, सरकार नाकामयाब हुई है। आज क्योंकि सरकार ने हिंदू राष्ट्र का वायदा किया, सरकार के इंतजार के बाद हिंदू सेना ने 18 जुलाई 2022 को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को हिंदू सेना अपने जो 28 विंग के साथ 137 सनातनी राष्ट्रवाद जो कि संगठनों के साथ संत समाज ईसाई सिख जैन बौद्ध एवं भारत के शिक्षित मुस्लिम समुदाय के समर्थन से हिंदू राष्ट्र के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई है। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा, जिसमें भारत के हर समुदाय के परिवार में केवल 2 बच्चे पैदा करने का कानून रहेगा। तीसरा बच्चा होने पर कानून नसबंदी का प्रावधान होगा। तीसरा बच्चा होने पर सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी, राशन कार्ड, रेल यात्रा, सरकारी विद्यालय में शिक्षा, हवाई यात्रा प्रतिबंधित की जाएगी। वोट डालने का अधिकार माता पिता की नसबंदी के साथ साथ आर्थिक जुर्माना 2 लाख रुपए का तथा 6 महीने की जेल पति पत्नी को जिनसे बच्चा तीसरा होगा। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी भारतीयों को 18 दिसंबर 2022 से मान्य होगा। जो बच्चे गर्भ में रह गए हैं वो तो पैदा होंगे ही, इसे 10 महीने तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं मानो ये दंड प्राय 18 अगस्त 2023 के प्रारंभ होगी, 10 जून 2023 तक कानून लागू होने पर दंड प्रणाली मान्य होगी। दूसरी शादी करने पर दंड प्रणाली 1 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। ये जनसंख्या कानून एवं हिंदू राष्ट्र की घोषणा सरकार के काफी इंतजार के बाद की गई है। ये घोषणा हिंदू सेना एवं हिंदू राष्ट्र की ओर से की गई है। भारत सरकार तत्काल पालन करे, किसी कारण भारत सरकार के पास इसको पालन न होने पर भी ये कानून मान्य होगा। मैं मीडिया बंधुओं से एवं प्रशासन का आभार प्रकट करता हूँ कि भारत के हर नागरिक को
प्रश्न करने का, अपनी राय देने का अधिकार है। मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के संत युवराज देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, समृद्धि हेतु जनसंख्या नियंत्रण कानून की घोषणा करता हूँ। इसमें किसी जाति समुदाय को इंगित नहीं किया है। भारत सरकार से निवेदन है इन किस कानून को पास करने की कृपा करें। आप कितने भाई बहन हैं? आप कितने भाई बहन हैं युवराज जी, ये बताइए। दो बच्चे बोल रहे हैं, देखिए एक एक करके बोलेंगे। मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप कितने भाई बहन हैं ये बताइए। देखिए आज से पहले हम कितने भी हो, तुम कितने भी हो, इस पर कोई कानून नहीं है। कितने ये तो बता दीजिए। ये मैंने बताया दिसंबर 2022 के बाद कानून लागू होगा। स्वामी जी सवाल लेके आए जिससे जनसंख्या का प्रेशर आज जो कि भारत नहीं झेल पा रहा है। आपको पता देश किस ढांचे से कैसे चलता है, आपको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो क्या ज्यादा बच्चा पैदा करने से देश की समृद्धि होगी? कानून पारित कर दिया, क्या है इसका मतलब? मैं कह रहा हूँ मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूँ। 4 करोड़ लोग मेरे साथ है। 28 विंग जो हिंदू सेना की है, दूसरा 337 संस्थान मेरे साथ है। आपको इलाज की जरूरत है अभी? नहीं नहीं, आप ये कहते रहिए, आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना जरूर कहूंगा, हमने जो घोषणा की है ये सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की है। इस कारण से ये घोषणा हमें विवश होकर करनी पड़ी है। आपको नहीं लग रहा गर्मी ज्यादा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए? आप ये बेकार की बातें कर रहे हैं, प्रश्न कीजिए। राष्ट्र घोषित कर गए आज, तो आप नियंत्रण कानून नहीं होना चाहिए क्या? कौन इसका विरोध करना चाहता है? भाई मैंने ये नहीं बताया आपने। मैंने बता दिया आज से पहले कितने भी बच्चे पैदा हुए। मैं कह रहा हूँ पहले कितने बच्चे पैदा हुए उससे कानून से मतलब नहीं है। सब जाना, आपके बच्चे कितने? हम पहले कितने भी थे? आपके मैंने बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, घर परिवार को छोड़ रखा मैंने। भविष्य नहीं है मेरा, अब नहीं है कोई भी। आपके कितने बच्चे हैं? और जिनके पहले से हमें समझ वो क्या करेंगे? क्या आप कितने भाई? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए? आप कितने भाई बहन हैं? नहीं हमने लेके, सरकार नहीं ला रही है तो क्या करें? 2014 में लाना चाहिए था। इसी बात पर हमने जो उनको वोट दिया उन्होंने नहीं किया, तो हमने करना पड़ा है। आज इसका कोई विरोध करना चाहे बताइए। इसमें हिंदू राज चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है, हिंदू राज चल रहा है। ये बताओ जातिवाद कब खत्म करवा रहे हो? बहुत जल्दी जल्दी समाप्त होगा। आप जाति को मानते हो? नहीं मानता। मैं शूद्र हूँ, मेरे पैर छुएंगे आप? हाँ बिल्कुल छूंगा। छू लीजिए। लीजिए मैं छीता हूँ, बताइए। एक बात सुनिए, कोई भारत में जातिवाद नहीं चलेगी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अच्छा, केवल गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अपने बच्चों की शादी जो है, अपने पुत्र की शादी किसी शूद्र कन्या से करवाएंगे? मैं शूद्र कन्या से भी कराऊंगा और अपनी बेटी की शादी शूद्र लड़के से भी कराऊंगा, बताइए आप। अच्छा जी, तो क्यों परेशानी क्या है? आपकी शादी कैसे हुई थी? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जातिवाद का विरोध करता हूँ। मैं जातिवाद का विरोध करता हूँ। देश में हमने 700 साल जातिवाद के चक्कर में अपने देश को मुगलों के हाथ में दिया था। अब हमारे होते हुए गजवा हिंद नहीं होगा। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र? मोदी जी करते तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी करते तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आते, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आते। मैं कह रहा हूँ हाँ, मोदी जी के खिलाफ जाएंगे, सबके खिलाफ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र हो गया है, जनसंख्या कानून नियंत्रण अब लागू सरकार को करना पड़ेगा। हो जाएगा जो जज लोहिया का हुआ था, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं। मुझे मारना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून 8 अगस्त 2022 से दिन के 1 बजे से हो गया, हो गया, हो गया। मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूँ और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संत भी हूँ। हिंदू सेना भारत की संसद है क्या? हाँ बिल्कुल है, हिंदुओं के द्वारा ही देश चलेगा। आम आदमी को सवाल पूछ रहा, सुनिए। आपका हिंदू सेना का प्रमुख कितने बनाया, कितने वोट दिया? अपने आप ही बन गए, अपने घर में बैठ कर। हाँ ये आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है और जनता हमसे जुड़ी हुई है। 7 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। आप हिंदुओं का समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र में क्या कमी रह गई? राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सारे राज्यपाल हिंदू, क्या कमी रह गई? मैं कह रहा हूँ हमने कर दिया, हिंदू राष्ट्र हो गया। कोई इसका विरोध करके दिखाया? जनसंख्या नियंत्रण
धर्मांतरण कानून कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदुओं का विरोध करते हो क्या? विरोध करते हैं आप? मैं इंसानियत का समर्थन। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है और वो हो गया है, वो हो गया। छोटा बच्चा संविधान देश का हित क्यों नहीं कर सकता है? बताइए आपको मैं बताऊं, आप आरक्षण से दिक्कत क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अभी आपने कहा शूद्र के पैर छिए हुए। यदि मैं आरक्षण के विषय में कुछ मामला मेरे हृदय में होता तो मैं पैर नहीं छीता। संविधान चलने दीजिए फिर, संविधान चलेगा। संविधान के लिए मतदान कर रहे हैं, उसमें संशोधन किया जाएगा। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। आरक्षण पिछले 5000 सालों से चल रहा है, ब्राह्मणों ने अपने लिए आरक्षण रख रखा है। देखिए ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय आज का जनसंख्या। आप मानते हैं कि ब्राह्मणों ने इस देश का विनाश किया? ये मानते नहीं मानते? मैं कह रहा हूँ जातिवाद के चक्कर में नहीं फंस रहा हूँ। हाँ या ना बताइए, विनाश किया है कि नहीं किया? मैं कह रहा हूँ विनाश किया है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी आप आइए बताइए विनाश कैसे किया। कहाँ बताइए, बताइए कहाँ बताइए? एक बच्चे की हत्या होना एक सवर्ण के द्वारा विनाश नहीं है क्या? मौत मौत विनाश नहीं है क्या? बताइए, जयपुर में, जयपुर में एक महिला को जिंदा जला देना विनाश नहीं है क्या? वो सजा मिलने की ठीक है, मजबूती सजा मिलेगी। यूपी में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हत्या करना विनाश नहीं है क्या? कानूनी कार्रवाई बड़ी सख्त हुई उनके ऊपर। ये विनाश हाँ या ना बताइए? कानूनी काम ना करो आप, एक इंसान की जान लिया जाना विनाश मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन कानूनी पूरा काम कर रहा है, पूरा काम भैया गाड़ी, कानून पूरा काम कर रहा है, लेकिन हमेशा हमेशा कानून काम करता आया है। लेकिन ब्राह्मणों ने इस कानून का उल्लंघन हर बार किया है। ब्राह्मण ही नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए। ब्राह्मण कोई ऐसा गलत नहीं कर रहे, कई ब्राह्मण ने कभी गलत नहीं किया। नहीं नहीं, कभी गलत नहीं किया। ना, ना, ना। पानी पीने से गलत नहीं है। पूरी कानून उस पे कार्रवाई कर रही है और मजबूती से कर रही है। हाँ जी, आप ब्राह्मण है? हाँ जी ब्राह्मण है। बताइए ब्राह्मणों के पहले सुबह उठते ही के दो काम बताओ। ब्राह्मण है तो सुबह उठने के बाद स्नान करो, भगवान का भजन करो। सबसे पहले आँख खुलते ही जो काम करते हैं वो बताओ ब्राह्मण। भगवान को प्रणाम करो। गलत है। आँख खुलते ही क्या करते हैं बताओ? आँख खुलते बताओ आप क्या काम लगाते हैं? धरती माता को प्रणाम करते हैं, अंजलि दर्शन करते हैं। कौन करता है अंजलि दर्शन? बताओ क्या होता है अंजलि दर्शन? बताओ ब्राह्मण हो तो। जनेऊ है? मैं नहीं हूँ। जनेऊ है? जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हो तो ब्राह्मण नहीं हो तुम। अरे अरे ब्राह्मण क्यों नहीं होता है? जनेऊधारी है, जनेऊ डालने से ब्राह्मण हो गया। अरे आप सही कह रहे हो, आप जनेऊधारी हैं? मैं जनेऊधारी नहीं हूँ तो ब्राह्मण नहीं है। भाषण इससे ब्राह्मण ना ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण कैसे होते हैं फिर बताइए। मैं जो ब्राह्मण नहीं हूँ तो मैं क्यों बताऊँ आपको? भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है। सुनो, जो ब्राह्मण है वो भी नहीं बता पा रहे। ब्राह्मण है, सुनो, ये ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण है वो नहीं बता पा रहे। उनको ऐसा हो सकता है पूरे परिवार में किसी को कुछ बात का मालूम होता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, ब्राह्मण ज्ञानी होता है। अगर आप ज्ञानी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। आप अगर सुनो, कोई भी ज्ञानी हो सकता है, कोई भी ज्ञानी हो सकता है। यदि आपको ब्राह्मण कहलाना है तो ज्ञानी होना पड़ेगा। कोई भी ज्ञानी हो सकता है, ब्राह्मण कहलाना है तो ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञानी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है।